मैं जबलपुर से हूँ, कंगन बॉर्डर में करीबन 3 साल होने वाला है मुझे दिसंबर, ये लास्ट तक में मैं 3 साल कंप्लीट करूँगा। और सबसे पहले जब मैंने ये डिवाइस लिया था, मेरे घर में मदर मेरी स्पॉन्डिलाइटिस पेशेंट थी, मेरा एक फ्रेंड था लीवर सिरोसिस था उसको, तो मुझे लगा था कि ये डेमोस्ट्रेशन देखने के बाद ये काम करेगी चीज़। और डेफिनेटली जब उन्होंने पानी पिया 2 से 3 महीने में वो रिज़ल्ट आया, देन फिर मैंने इसे प्रमोट किया। और इस 3 साल में सबसे पहले तो मुझे जब इसकी ताकत का, कैंगन की ताकत का एहसास हुआ, जब मेरी लेफ़्ट आइज़ में सेंसेशन शुरू हुआ, जब क्योंकि ये मेरा लेफ़्ट पैरलाइज है, आप देख रहे हो कि स्वेलिंग है इसमें, और चूँकि मेरे को पोलियो हुआ था 10 महीने की एज से, तो 10 महीने से जब पोलियो हुआ था तो लेफ़्ट पूरा पैरलाइज हुआ था, लेफ़्ट आइज़ मेरी को दिखता नहीं है लेफ़्ट से, राइट से भी बहुत कम दिखता है। डॉक्टर्स को जब एम्स में दिखाया गया तो ये पता चला कि ये रेटिना डिटैच हो चुका है, इससे इसमें कोई अभी दोबारा कभी रोशनी आने की संभावना नहीं है। उस समय उन्होंने एक स्पंज डाल दिया था और वो स्पंज पड़ा रहा। 2018 में करीबन 1 साल बाद, जब कैंगन पीने के बाद मैंने 1 साल बाद जब ये दर्द कर रही थी, तब मैंने डॉक्टर अभिजीत बिश्नोई हैं, अनुश्री नेत्रालय वाले, तो उन्होंने जब मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने कहा सर स्पंज है इसमें और ये स्पंज जो है दिक्कत कर रहा है आपको। मैंने कहा सर ये स्पंज कैसे आया, तो उन्होंने कहा ऑपरेशन के बाद डाला जाता है, आपने 3-4 साल पहले ऑपरेट किया होगा। मैंने कहा नहीं, मैंने तो कभी ऑपरेट नहीं कराया। तो ये समझ में आया कि ये जो कैंगन वाटर मैंने पिया है, जो न्यू सेल जनरेशन की जो ताकत है कैंगन वाटर के अंदर -50 ORP, उस वजह से हो सकता है लेफ़्ट मेरा सर जो साइड था जो फिर से सेंसेशन शुरू हुआ हो। और इस बात का मुझे पूर्ण एहसास तब हुआ जब ये साइड में जब मेरे को कट लगा, और इससे कभी मेरी लेफ़्ट साइड में कभी भी मेरे को चोट लगती है तो खून कभी ब्लड में नहीं आता, मतलब ड्रॉप्स में नहीं आता। लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले भुवनेश्वर गया था, यहाँ पे मेरे को कट लगा, ड्रॉप्स में खून निकल रहा था, जो कि पहले कभी वाह, नहीं हुआ, क्योंकि बहुत अच्छा। डॉक्टर्स कहते हैं मेरा ब्लड सर्कुलेशन लेफ़्ट में नहीं है। तो इस वजह से अब जब तक मैंने 2.5 PS से उसको कंट्रोल किया ब्लड को क्लॉट करने में, तब तक मैं बहुत सारा ड्रॉप निकला और मैं खुश हो रहा था कि खून निकल रहा है, मतलब मेरा लेफ़्ट साइड जो है वो फिर से एक्टिव हो रहा है, और ये इसके लिए कैंगन का बहुत बहुत वेरी गुड, मतलब ब्लड निकल रहा है तो खुशी हो रही है इस बात की। बिल्कुल गुड, सर, क्योंकि मैंने कभी लेफ़्ट साइड में ब्लड नहीं यस देखा था अपनी चोट लगने के बाद। यस और अभी मैं लगभग लगभग 1.5 साल के से इस पेन को मैं अभी, चूँकि मुझे लग रहा है कि मेरी ये रेटिना है दोबारा आ सकती है, कैंगन वाटर में इतनी ताकत है कि वो दोबारा रेटिना को ला देगा, क्योंकि मेडिकल साइंस के अंदर तो रेटिना डिटैच होने के बाद दोबारा रेटिना नहीं आता, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि ये रेटिना फिर से बन सकता है, पेन क्योंकि होना शुरू हो गया। क्योंकि ये जो स्पंज है वो दिक्कत कर रहा है, और उसकी वजह है कि यहाँ पे सेंसेशन आ रहा है, तो वो स्पंज जब भी घूमता है आँख के अंदर, और डॉक्टर्स तो बोलते हैं कि मेरा कॉर्निया सही है, मैं किसी को आईज डोनेट करूँगा तो उसको दिखेगा, लेकिन बिकॉज ऑफ रेटिना डिटैचमेंट वो मुझे दिखता इसलिए नहीं है। तो रेटिना अगर मेरा बन गया तो ये बहुत मेरेकुलस रिजल्ट होगा। तो अभी 1.5 साल से मैं अभी इसको ऑपरेट भी इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि अगर इसको ऐसे ही कंटिन्यू रहूँगा रहेगा तो ये मेरी आईज वापस आ जाएगी। तो मैं देख रहा हूँ कि आपका लेफ्ट हैंड जब हम मिले थे तब काम नहीं करता था इस तरह, अभी तो दोनों हाथ बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। जी सर, बिल्कुल, हाथ में मैं पूरा सेंसेशन है। बिल्कुल सर, मैं पिछले आप जब पहले मिले थे मैं बहुत दुबला भी था, यस, इससे लगभग आधी अब तो पर्सनालिटी आपके थी चेहरे मेरी। की चमक ही अलग है।
जी बिल्कुल, कैंगन से सर अच्छा मुझे बहुत सारा रिजल्ट्स मिले हैं। मेरी हेल्थ पहले कभी नहीं बनी। आपकी मैं चाल भी बिल्कुल अलग थी, क्योंकि पैर बड़ा दिक्कत, मुझे जरा चल के दिखाओ। मैं जी सर, समझ में आया। ओके, अब तो काफी बेहतर हो गया यार। हाँ नहीं, सर बहुत बेहतर हो गया है पहले ये से। आपको बचपन से ही था। सर मैं 10 महीने का जब मैं था तब से मुझे पोलियो था, ओके बैठिए। और उसके बाद ही मेरे को लेफ्ट पूरा पैरालाइज हुआ था। यार ये तो बहुत बड़ी बात है। तो आप जो